करना बिल्कुल ये गलत बात है। आपने एक पति पत्नी को ट्रेन से गलती ट्रेन से उतार दिया, ये कोई तरीका नहीं है। ये कौन सा तरीका है? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। एक तो लोग गरीब लोग है, पहली बार आए लोग। आपने देखा हमारे सूटकेस पे हमारा नाम लिखा है क्या? चलो ये आप क्या कह रहे हैं साहब? क्या मेरा चेहरा देख के आपको लगता है मैं किसी का खून कर सकता हूँ? मैं माना के लगता है मगर मैंने खून नहीं किया साहब। फिर इस बैग में लाश कहाँ से आई? ये बैग भी हमारा नहीं है। तो इसे लेके कहाँ जा रहे थे? इसको ठिकाना लगाने नहीं, इसके असली मालिक का ठिकाना ढूंढने। हाँ। समझे नहीं आप? इसका जो असली मालिक है ना, उसका ठिकाना ढूंढने के लिए हम लोग आइए। तुम इन दोनों को जानते हो? हम इन्हें नहीं जानते। क्या तुम इन्हें जानते हो? सर इस बार मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर, आज से पहले मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। अरे मेरा बैग। ये तुम्हारा बैग है? अरे हाँ सर, यही तो प्रिया का बैग है, इसके लिए तो हम लोग बंगले के अंदर वापस गए थे। और इसके अंदर का सामान? क्या बात कर रहे हैं सर, बैग हमारा है तो सामान भी हमारा ही होगा ना सर। ले लो भाई ले लो, मैं ये बैग लिए तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन इससे पहले कि तुम मिलो ये साहब मिल गए। अच्छा साहब मैं अभी चलूँ। एक मिनट, जरा इनको चेक कर लेने दो, सारा सामान बराबर है या नहीं। करेक्ट करेक्ट सर, चेक करो कुछ अगर चोरी वोरी हो गया हो तो। खोलो खोलो। हमारा नहीं है सर, हमारा। पलटी मत मारो, तुमने सबके सामने कहा कि ये बैग तुम्हारी है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। अरे ऐसे किसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये बैग हमारी हो सकती है लेकिन इसके अंदर की बॉडी हमारी नहीं है। तो क्या डेड बॉडी हमारी है? देखो हमने खून नहीं किया है तो हमने भी खून नहीं किया है। खून तुमने नहीं किया, खून हमने नहीं किया, खून क्या इंस्पेक्टर ने किया? तुम दोनों बाहर बैठो। जी मर्डर की रात तुम कहाँ थी? कैसीनो में थी। वहां से कहाँ गई थी? डायरेक्टली होटल अपने रूम में। मिसेस के तुम्हारी फुटप्रिंट्स कह रही है कि तुम हवेली गई थी। हाँ, वो क्या है ना, मेरे पति सारे पैसे जुए में हार गए थे, इसलिए मैडम से मदद मांगने के लिए मैं हवेली गई थी। और उस रात तुम कहाँ थे? मैं तो कैसीनो में था साहब, और पूरी ईमानदारी के साथ पैसे हार रहा था। अगर आपको यकीन है तो होटल एल्फ्रेडो का मालिक है ना नेटवर्क, उससे पूछ लीजिए, वो सारी रात मेरे साथ था। हाँ वो आधे घंटे के लिए बाहर गया बस, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। वो 25 लाख रुपए लेके आया, उसके आने तक मैं वहाँ बैठे बैठे इंतजार करता रहा। आप पूछ लीजिए किसी से भी। कितने बजे गया था वो? ये 12:30-1 बजे होगा साहब। सर चौथा फुटप्रिंट। योर ड्रिंक सर। सुनो मिस्टर नटवर लाल कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगे सर। स्विमिंग अच्छा कर लेते हो? हॉबी है, दिन में 3-4 बार करता हूँ। अफसोस कि जेल में स्विमिंग पूल नहीं है। क्या क्या जेल में? क्या क्या नहीं? अच्छा ये बताओ, हाँ। जिस रात सोनिया चैंग का मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पर ही था। शॉप 100% टू बी प्रिसाइज। इसे जानते हो? इसको मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। लेकिन ये कह रहा था कि उस रात तुम इसके साथ कैसीनो में थे। हाँ, नहीं, नहीं सर, मुझे लगता है इस झूठे को इलेक्ट्रिक शॉक देके सच बुलवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं। मेहरबानी करके मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स मत देना, मैं आपको सच बताता हूँ। मैं रात भर इसके साथ कैसीनो में जुआ खेल रहा था। सारी रात? मगर इसका कहना है कि 12:30 और 1 के बीच तुम कहीं बाहर गए थे। उसने कहा ऐसा? तो मैं गया होऊंगा, गया होऊंगा। कहाँ गए थे? शरीफ आदमी रात को कहाँ जाएगा? बीवी के पास। किसकी बीवी? मेरी। सेक्स बॉम्ब है, सेक्स बॉम्ब। रात को कहीं भी रहूं, आधा घंटा तो उसके साथ बिताना ही पड़ता है। उस रात को मैं वहीं उसके साथ ही था, 12:30 से 1 के बीच में उसी के साथ था। थैंक्स, सारी बातें सच कहकर तुमने पुलिस की मदद की है। थैंक यू। तुम्हारी बीवी भी सच बोले तो अच्छा है। कहाँ है वो? मायके गई है। गुड, बहुत लकी हो भाई, मेरी बीवी तो कभी मायके जाती ही नहीं।
नो नट्स नो। उस रात जब तुम मेरे साथ थे ही नहीं तो मैं पुलिस से झूठ कैसे बोल सकती हूँ? देवी देखो, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो इंस्पेक्टर मुझे सोनिया के मर्डर केस में अंदर कर देगा, मुझे फांसी पे चढ़ा देगा, फिर घूमती रहना जिंदगी भर तुम सफेद साड़ी पहनकर। सॉरी, तुम तो सफेद बिकिनी पहनोगी। सॉरी, प्लीज देवी, तुम मेरे लिए इतना झूठ नहीं बोल सकती, प्लीज। नॉट पॉसिबल। देखो देवी, उस दिन मैंने तुम्हें कसीनो में डायन कहा, अपने ससुर को गंदी गंदी गालियां दी, प्लीज प्लीज उसका बदला मुझसे मत लो, प्लीज। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। एक पत्नी व्रता पति के लिए तुम झूठ नहीं बोल सकती? नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं रूम में किसी और के साथ थी। क्या? तुमने उस दिन मेरी बहुत इंसल्ट की, मैं बहुत अपसेट थी। तो तुम अपसेट थी तो किसी और के पास चली गई? अरे मैं तो जब जब जुआ खेला तब तब अपसेट हुआ, मैं तो कभी किसी के पास नहीं गया। कौन था वो? मैं नहीं बता सकती उस हैंडसम का नाम। हैंडसम? पूरे गोवा में एक ही हैंडसम है, रॉकी था ना? मैं हाँ नहीं बोलूंगी। रॉकी था, छोड़ूंगा नहीं साला, मेरी बीवी से। रुक जाओ, रॉकी ब्लैक बेल्ट है, बहुत मारेगा। नट्स यहाँ भी नहीं है, पता नहीं मार खाकर कहाँ पड़ा होगा। It was brilliant, Nats. तुम कमाल के मर्द हो यार, मजा आ गया। Anytime, Nats. Anything for you. I must tell you, you are simply great. Thank you so much. ये क्या? तुम ही लकी विनर बन गए? अरे गलत मत समझो, we are just friends. Yeah, he's my friend. Good friends, huh? Nuts, darling. मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। अरे तुम्हें क्या लगा मैं क्या इनके साथ लड़ने गया था? अरे मैं तो रॉकी भैया को समझाने गया था, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकले। ये पुलिस को नहीं बताएगा कि रात को 12:30 से 1 के बीच में ये तुम्हारे साथ था? नहीं बताएगा ना? कभी नहीं। इट्स ग्रेट यार। ये नहीं बताएगा तो क्या, होटल का स्टाफ तो बताएगा? भूल गए उस दिन तुमने होटल में वाइन मंगाई थी और वेटर से बॉटल तुमने ही अंदर ली थी? करेक्ट, लेकिन उस वक्त मैंने इनका गाउन पहना था। तुमने मेरा गाउन पहना था? मेरा? I don't like anybody touching my gown, यार। तुम्हारे गाउन की वजह से वेटर समझा था रूम में मैं नहीं हूँ, तुम हो। याद है ना ग्रेसी, मैंने वेटर से वाइन कैसे लिया था? रॉकी अपसेट हसीनाओं को सेट जरूर करता है, लेकिन लोगों की नजरों में उनको बदनाम नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, कितने महान विचार है तुम्हारे, वाह। अरे यार, तुम्हारे साथ तो हर किसी की बीवी सेफ है। मेरे 3-4 दोस्त हैं, मैं उनकी बीवियां भी तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। बीवियों का सेफ डिपॉजिट वॉल्ट छोड़ जाओ और भूल जाओ। हे भगवान। या, अब मेरे पास एक नहीं दो दो गवाह है, एक तो मेरी एंजल वाइफ और दूसरा इस होटल का वेटर। अपना सबूत पक्का करने के लिए मैंने अभी उससे वाइन मंगवाया है, और ये गाउन देखकर वो समझ जाएगा कि उस रात भी मैंने ही वाइन मंगवाया था। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। आ गया अपना दूसरा गवाह, आ गया। अरे अरे, मेरा गाउन फट जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। छोड़ छोड़। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। मेरी वाइफ, मेरी लवली वाइफ है ग्रेसी। हेलो। ये तुम्हारी वाइफ है? क्यों, किसी और के साथ देखा था? नहीं, तुम्हारे साथ देखा तो यकीन नहीं आया, इसलिए पूछ लिया। Pleased to meet you. Same here. मैम, जिस रात को सोनिया चैंग का मर्डर हुआ, उस रात 12:30 से 1 बजे तक आपके पति इसी सूट में आपके साथ थे? सूट में नहीं, मैं गाउन में था, the same gown. आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पति आपके साथ थे? हाँ, ये मेरे ही साथ थे। Yes. सुन लिया इंस्पेक्टर आपने? Excuse me, sir. ये आ गया मेरा दूसरा गवाह, वेटर। हाँ? 2 दिन पहले तुम इसी कमरे में रात को 12:30 बजे आए थे। हाँ, वाइन देने के लिए आया था। उस वक्त इस गाउन में कौन था? आप थे सर। ओह थैंक यू, देख ये लो, ये तुम्हारा बख्शीश और ये वाइन तुम पीना। थैंक यू, थैंक यू। जाओ, नाउ आर यू सेटिस्फाइड? मैं जब तक खूनी को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाता हूं, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता। वाह वाह, आप जैसे ईमानदार पुलिस वालों की वजह से ये देश टिका हुआ है। आप हैं तभी तो हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। हमें गर्व है आप पे, बहुत गर्व है आप पे। बेवकूफ, जो कहा वो सब मान लिया उसने। एक और सवाल मिस्टर नटवर। क्या
सामने के गैराज वाले ने कहा कि उसने रात के 1 बजे आपकी पीछे की बालकनी से किसी को उतरते हुए देखा था। बालकनी से उतरा था? बालकनी से उतरा था? मेरी बालकनी से मेरे अलावा और कौन उतरेगा? अच्छा, आइए। क्यों? आइए। आप यहां से कैसे गए थे? यहां से ये पाइप से। एक्चुअली आई लव एक्साइटमेंट, थ्रिल। सीढ़ी और लिफ्ट से तो हर कोई आता जाता रहता है, उसमें मजा क्या, तो मैं पाइप से जाता हूं। इंटरेस्टिंग, मुझे भी आपका थ्रिल देखना है, जरा उतर के दिखाइए। Really? हाँ हाँ, कम ऑन, मुझे भी देखना है कि कोई फिफ्थ फ्लोर से पाइप से कैसे उतरता है। पाइप से, ओके, पाइप से। रेगुलर है मेरा ये। और जाओ कि आप समझ गए। जाइए जाइए। सर मैं लिफ्ट से आता हूँ सर, मैंने कल ही अपनी वाइफ को नया मंगलसूत्र लेके दिया सर। सॉरी सर। बच गया। कैसा रहा? फसला सर, फसला। पर यहाँ से नीचे उतरने में ज्यादा ही थ्रिल होगा। हाँ, यहाँ से ज्यादा थ्रिल है। वो थ्रिल भी देखें। मैं कभी यहाँ से गया? ये इस पे चलते चलते मैं सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता हूँ और वहां से नीचे उतर जाता हूँ। सिंपल। सैंपल? सैंपल दिखाइए ना। वो भी देखना है आपको? आप इधर से? अलमारी के दूसरे ड्रॉर में इंश्योरेंस की पॉलिसीज है। हाँ, देख लेना। मैं इसको रोज याद दिला तो इंश्योरेंस के बारे में कभी भी मैच चोट हो सकती है। रेड सिग्नल तब निकलना चाहिए था ये। रात तुम यही आए थे? हाँ, यही आए थे। पक्का? हाँ, पाइप भी यहीं तक आती, मैं भी यहीं तक ही आऊंगा ना। पता है ये जगह कौन सी है? नहीं। ये सोनिया चैंग का बेडरूम है, यहीं पर उनका मर्डर हुआ। क्या? लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।